बहुत सारे लोचे हैं, एक लोचा थोड़ी है, बहुत सारे लोचे हैं। आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, आपको सब पता चल जाएगा। और अपने किरदार के बारे में बताइए, क्या आपका किरदार इसके क्या बारे में? गुजराती बिजनेसमैन हूँ जो मलेशिया में बेस्ड हूँ। सब कुछ अच्छा है मेरी ज़िंदगी में, काम अच्छा चल रहा है, फैमिली अच्छी है, बीवी है, बेटा है, एवरीथिंग इज़ गुड। लेकिन मेरा एक सीक्रेट है कि मैं एक बॉलीवुड स्टार के पीछे एकदम पागल हूँ, उनका बहुत क्रेज़ी फ़ैन हूँ मैं। तो दिन रात उनके बारे में ही सोचता रहता हूँ। और फिर वो मलेशिया में आती है शूटिंग के लिए, और कैसे हम लोग मिलते हैं, वो मेरे घर में आती है और सारे लोचे शुरू होते हैं। फर्स्ट टाइम आपने सनी के साथ काम किया, तो कैसा केमिस्ट्री रहा आपका? बहुत अच्छा, वी गॉट अलॉन्ग वेरी वेल। बहुत मस्ती हो रहे हैं, बहुत मज़ा आता है उसके साथ काम करने में। उसको भी मस्ती पसंद है, प्रैंक्स खेलना, मुझे भी। तो वी गॉट अलॉन्ग वेरी वेरी वेल, काम भी अच्छा हुआ और दोस्ती भी बहुत अच्छी हुई। वी हैड अ वेरी गुड टाइम। शूटिंग के दौरान कोई ऐसा लम्हा बताइए जिसको आप याद करते हैं और बहुत काफ़ी मस्ती की हो? ऐसा कोई एक लम्हा नहीं है, हर दिन मस्ती होती थी, हर दिन हम लोग पागलों की तरह हंसते थे। कभी कभी सीन के बीच में हम लोग को रोकना पड़ता था शूटिंग, क्योंकि या तो वो हंस रही है, या मैं हंस रहा हूँ, या डायरेक्टर हंस रहा है। सो द होल एक्सपीरियंस वॉज क्रेजी। तो शूटिंग के दौरान सनी ने आपको कितना परेशान किया? बिल्कुल परेशान नहीं किया, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत प्रोफेशनल है, तो परेशान क्यों करेगी। अच्छा, आपने कितना परेशान किया पूरी जो स्टार कास्ट कि? मैंने बिल्कुल परेशान नहीं किया, मस्ती बहुत करता था और लोगों को हंसाता बहुत था, बट परेशान तो नहीं किया। किस तरह की मस्ती, कुछ एक किस्सा बताना? नहीं बता सकता, सब नॉन वेज है। अच्छा, फिल्म को एक हिसाब से एडल्ट कॉमेडी के तौर पे रिलीज किया जा रहा है या उन लोगों के लिए बताई जा रही है ऐसी फिल्म, तो अकॉर्डिंग टू यू क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में? क्या फैमिली ऑडियंस देख सकती है? बिल्कुल देख सकती है, ये एडल्ट कॉमेडी नहीं है, सेक्स कॉमेडी नहीं है, ये फैमिली कॉमेडी है। बच्चों के साथ मत देखिए, लेकिन अपने बड़े बुजुर्ग, अपने माँ बाप के साथ जरूर देख सकते हैं। मैं अपने चुप है गंदा पागल है, ये तो कुछ नहीं, ये तो शुरुआत है, आगे जाके देखना साले, आऊंगा अभी मैं। तो फैमिली कॉमेडी है, अपने पेरेंट्स के साथ देख सकते हो, बड़े बुजुर्ग के साथ देख सकते हो। देर इज नथिंग दैट विल मेक यू ऑकवर्ड, बहुत क्लीन फिल्म है और फैमिली फिल्म है। सॉरी, साथ में एवलिन शर्मा भी है जी। कौन है एवलिन शर्मा? कौन है वो? तू है? अच्छा, ये है एवलिन शर्मा। हाँ, क्या बोलो इसके बारे में? हाँ, कुछ बताइए। हाँ है, खूबसूरत है, तो क्या हुआ, व्हाट्स द बिग डील? और शी इज अ डार्लिंग, बहुत बहुत। देख, मैं मोटा नहीं हूं, मैं मार खा के सूझ गया हूं। शी इज अ लॉट ऑफ फन, बहुत मजा आया। शी इज मेरा ज्यादा इंटरेक्शन तो सनी के साथ ही था, इसके साथ कम था, बट शी इज ग्रेट फन। अभी आए थे नवदीप छाबरा, उनके साथ गधे की धुन केमिस्ट्री? हां, आपकी किस तरह केमिस्ट्री? नथिंग, मैं एक आदमी हूं, वो एक गधे की धुन है, तो एक आदमी और गधे की धुन के बीच में क्या केमिस्ट्री हो सकती है? वैसे ही है, अच्छा है, मेहनती है, ही वॉन्ट्स टू वर्क हार्ड। तो हम लोग ने थोड़ा एडवाइस किया, थोड़ा गाइड किया, बट बहुत अच्छा लग गया। राम, पिछले कुछ सालों में आप कॉमेडी फिल्म के इस पे ही चले जा रहे हैं, कुछ ऐसा सोचा नहीं है कि सीरियस कुछ करना है, या यू जस्ट वांट टू फोकस ऑन कॉमेडी, दैट्स इट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी फिलहाल मैं इसके बाद एक फिल्म शुरू कर रहा हूँ जो बहुत सीरियस है, ट्रू स्टोरी है, उड़ान टाइप की फिल्म है, बहुत सीरियस ट्रू स्टोरी है, अबाउट अ फैमिली, उनके साथ क्या हुआ। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ कॉमेडीज करूँगा। तो फिलहाल दो तीन स्क्रिप्ट ऐसे आई कि माय लास्ट 2-3 रिलीजेज हैव बीन कॉमेडीज, बट मैं इसके बाद 3 फिल्में शुरू कर रहा हूँ जिसमें सिर्फ एक कॉमेडी है। वन इज़ एन एक्शन थ्रिलर एंड द अदर इज़ अ वेरी सीरियस ट्रू स्टोरी। तो वैरायटी दिखेगी आपको अगले साल, डोंट वरी। हमने सुना है कि आप सनी लियोन के साथ फिर से एक बार काम करने वाले हैं, काइंड ऑफ थ्रिलर फिल्म, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि नहीं, मैं फिर से एक बार सनी लियोन के साथ काम करने वाले? आई वुड लव टू वर्क विद सनी इवन 10 टाइम्स मोर, शी इज बिकम सच अ गुड फ्रेंड एंड वी हैव सो मच फन वर्किंग टुगेदर, कि उनके साथ जितना भी मौका मिलेगा, अगर स्क्रिप्ट अच्छी है, मैं जरूर करूँगा। और हाँ, एक और फिल्म हम लोग शुरू कर रहे हैं, उसके बारे में ज़्यादा इस वक्त मैं बता नहीं सकता, द डायरेक्टर विल अनाउंस इट आफ्टर दिस रिलीज। लोगों की पसंद आई है? यार, बहुत लाइट हार्टेड फिल्म है, कुछ हम लोग सिनेमा को रीडिफाइन नहीं कर रहे, कुछ प्रीचिंग वीचिंग नहीं कर रहे, वी जस्ट हैड अ ब्लास्ट। द वेरी लाइट हार्टेड फैमिली कॉमेडी, अगर आपको 2 घंटे तो अपने परिवार के साथ थोड़ा हंसना है, थोड़ी मस्ती देखनी है, तो ज़रूर देखिए। हमारी ऑडियंस और पीको की ऑडियंस बहुत अलग है। आई थिंक ना पीकू हमारी बिजनेस को इफेक्ट करेगी, ना हम पीकू की बिजनेस को इफेक्ट करेंगे, बिकॉज आई थिंक वी आर वेरी डिफरेंट एंड वी आर वेरी डिफरेंट ऑडियंस
एंड आई विश पीकू ऑल द बेस्ट. मैं तो चाहूँगा कि पीकू भी एज सक्सेसफुल एज पॉसिबल हो एंड सो डू अस, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इफ मोर फिल्म आर सक्सेसफुल इज बेटर फॉर आर इंडस्ट्री. तो मैं आई विल विश ऑल द बेस्ट फॉर पीकू. आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ बच्चन साहब, आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ दीपिका एंड ऑफ इरफान. तो मैं पीकू जरूर देखूंगा एंड आई विश इट डज रियली रियली वेल एंड आई विश दैट वी ऑल्सो डू रियली वेल. आई वॉन्ट फिल्म्स लाइक दिस ऑल्सो टू वर्क, फिल्म्स लाइक पीकू ऑल्सो टू वर्क. सो आई विश ऑल द बेस्ट टू पीकू डेफिनेटली. अच्छा, तो फाइनली जो व्यूवर्स हमें देखे उनको एक शॉर्ट एंड स्वीट मैनर में क्या बताना चाहेंगे, कुछ कुछ लोचा इसके बारे में? बस यही जो मैंने कहा यार, अगर आपको दो घंटे थोड़ा हंसना है, थोड़ी मस्ती देखनी है अपने परिवार के साथ, प्लीज़ गो एंड वॉच दिस फिल्म. देर इज नथिंग वल्गर, बहुत क्लीन फिल्म है. आई प्रोमिस यू दैट आपको मज़ा ज़रूर आएगा. प्लीज़ डू गो एंड वॉच 8th May. Wish you all the best. Thank you.